दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया। लंबे लॉकडाउन के कारण पूरा रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो मंदी की चपेट में आ गया है। तमाम मुश्किलें हैं। मुश्किलें ये हैं कि अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो ख़रीदार नहीं है, और जहां ख़रीदार हैं वहां उनके पास पैसा नहीं है। तो इस तरह की मुश्किलों से और मुसीबतों के दौर से इस वक्त रियल एस्टेट कारोबार गुजर रहा है, और इन्हीं सब हम खास मुद्दों और सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है मशहूर बिल्डर और प्रजापति ग्रुप के CMD श्री राजेश प्रजापति जी को। आप MCHI रायगढ़ यूनिट के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। धन्यवाद। प्रजापति ग्रुप है, उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे कई जगह पर। अब किस तरह की कंडीशन है और किस किस तरह के प्रोजेक्ट आप अलग अलग जगह पर चला रहे थे, क्या उसकी खासियत? देखिए सुधीर जी, हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं फिलहाल। एक प्रजापति मैग्नम जो है वो द्रोणागिरी उरन के पास एक सिटको का नोड है। वो सिटको के नोड में वो एक प्रोजेक्ट है जो 3 एकड़ के जमीन पर चल रहा है, और उसमें इस नवी मुंबई का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोडियम उसमें बन रहे हैं। वो पोडियम करीब करीब 1 एकड़ से ज्यादा का वो पोडियम है, और वो पोडियम में ऐसा है कि जिसमें सारी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल से लेके जिम से लेके वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, एम्पी थिएटर और स्पोर्ट्स एक ये जोन, मल्टीपर्पज़ जोन। तो सब तरीके के उसमें सुविधाएं हैं, और उसमें 2 और 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स हैं। हर एक फ्लैट को पार्किंग है। इस तरह के जो सुविधाओं से वो लैस है, जिसको भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आज वो एक ऐसे जगह पे है, जो लोकेशन पे है, जिसमें कि जो ट्रांस हार्बर लिंक है वो जैसे ही उधर लैंड होता है उसके बाद द्रोणागिरी 8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जैसे वाशी जैसे पनपा था, उसका जैसे ग्रोथ हुआ था, आज उसी स्टेज में द्रोणागिरी है। आज कम रेट में है, मगर जैसे ही वो ट्रांस हार्बर लिंक खुलेगा, MTHL खुलेगा, इसका रेट 2 गुना या 3 गुना हो सकता है। तो एयरपोर्ट भी खुल रहा है, और ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक अनोखा प्रोजेक्ट है जो कि ऐसे जगह पे है जिसमें स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन ऐसे जगह पे है जहाँ रेट कम है, मगर कम रेट में आपको सस्ता माल नहीं मिल रहा है, कम रेट में आपको हाई स्टैंडर्ड का, हाई स्टाइल लिविंग का माल मिल रहा है। तो इस तरीके का फ्लैट आपको जो अगर चाहें तो उसमें है। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर पनवेल में हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक प्रजापति ओपल और एक प्रजापति ऑर्नेट। ऑर्नेट जो प्रोजेक्ट है उसमें भी 2 और 3 BHK का है इसमें, और प्रजापति ऑर्नेट में और प्रजापति ओपल में दोनों में भी पोडियम्स हैं। पोडियम में वही सब, ऑर्नेट में भी हम लोगों ने स्विमिंग पूल दिया है। अच्छा, पहली बार ऐसा इन्फिनिटी पूल हमारे पूरे नवी मुंबई में, एक भी इन्फिनिटी पूल नहीं है, लेकिन हमने न्यू पनवेल में जो हमारा प्रोजेक्ट है प्रजापति ऑर्नेट, उसमें हम लोगों ने स्विमिंग पूल दिया है जो कि इन्फिनिटी पूल है। इन्फिनिटी पूल का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा लगेगा कि आप नीचे, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है और आगे कोई उसका एंड नहीं है, इन्फिनिट उसका दृश्य है, उसका दर्शन है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके आगे एक्चुअली एक बहुत बड़ा मैदान है और आगे पहाड़ है, तो वो कभी भी आप उस पुल में जाएंगे आज से 10 साल बाद भी, तो एक इन्फिनिट व्यू है। तो ये बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लोकेशन को देखते हुए बनाया। इसमें भी जॉगिंग ट्रैक और जिम और ये सब सारी सुविधाएं हैं, 100% पार्किंग है। ऐसे जगह पे जहाँ पे पार्किंग की कमी है, ऐसे जगह पे हम लोगों ने 100% पार्किंग का प्रोजेक्ट बनाया है, और स्पेशली 2 फ्लोर, 1 फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए रखा है। तो काफी अच्छी सुविधाओं के साथ इसमें भी 2 और 3 BHK का प्रोजेक्ट है, और काफी इसका डिमांड अच्छा है। हमारे ही पनवेल में ही काफी लोग ले रहे हैं। तीसरा जो प्रोजेक्ट है प्रजापति ओपल, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उसमें भी हम लोगों ने
वन एंड टू बीएचके लगाया का प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया है प्रजापति ओपल, प्रजापति ओपल, प्रजापति ओपल में वन और टू बीएचके का है। और आज आप ये आप समझ लीजिए कि प्रजापति ऑर्नेट और प्रजापति ओपल दोनों में जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स का साइज बड़ा है। आज बजट ज़्यादा होने की वजह से अन्य डेवलपर्स ने अपने अच्छे विवेक से ही कम कर दिया था एरिया, मगर हम लोगों ने एरिया कम नहीं किया। हमने हमारे हिसाब से एक अच्छी फैमिली को रहने के लिए जितना मिनिमम एरिया चाहिए रहता है उतना तो चाहिए ही होता है, तो हम लोगों ने उसको कम नहीं किया। और आज साबित हो गया कि अगर लॉकडाउन हुआ और लोग अपने घर में रहे तो दरबे में रह के गुजारा बहुत मुश्किल है। तो हालांकि हमने 1 BHK बनाया है तो भी हम लोगों ने उसमें 2 टॉयलेट दिए हैं, एक अटैच टॉयलेट भी दिया है, एक बाहर एक टॉयलेट दिया है। 1 BHK में भी एक हम लोगों ने डाइनिंग एरिया निकाला है, तो हर तरीके से डाइनिंग एरिया उसको बता दो या उसको आज वर्क फ्रॉम होम एरिया अगर बोलना चाहे तो वर्क फ्रॉम होम एरिया। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें हमने हर समय एक्सेल साइज, आज वो एक्चुअली नॉर्मल साइज है लेकिन लोगों ने जो नॉर्मल फ्लैट्स हैं वो कम कर दिया, इसलिए हम लोग उसको एक्सेल साइज होम्स करके उसकी मार्केट कर रहे हैं और काफ़ी उसका प्रतिसाद मिल रहा है। आज तो लोगों को घर का जो है इम्पोर्टेंस वो पता चला है और घर बड़ा होना चाहिए ये भी लोगों को आज समझ में आया है। आज 2-3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा डाल के अगर आप बड़ा घर लेते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा सुविधाएँ, आप ज़्यादा अच्छे से अपना लाइफ बिता सकते हैं। तो ये तरीके से हम लोगों ने ये तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे वैसे ही प्लान हुए हैं और काफ़ी टाइम पे प्रोजेक्ट चल रहा है और हम लोग का जो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि हमने 25 प्रोजेक्ट किए हैं लेकिन 25 प्रोजेक्ट के पास सारे 25 प्रोजेक्ट हम लोगों ने ऑन टाइम डिलीवरी दिया है। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम लोग इसमें भी मेंटेन करेंगे और सभी को समय पे डिलीवरी देंगे। क्या कोई खास स्कीम, कोई योजना, कोई पैसा आप चला रहे हैं जो सीधे इस वक्त जो कस्टमर है उसका सीधे लाभ उठा सकें? सुधीर जी, हम लोगों ने डेफिनेटली एक इसको कोविड स्कीम तो नहीं कहते हैं लेकिन हाँ हम लोग एक स्कीम जरूर चला रहे हैं क्योंकि आज लोग परेशान हैं और परेशानी में हम लोगों के यहाँ इन जनरल हम लोग कभी भी रेट वगैरह कम करना या लमसम रेट में भी कमी करना ऐसे हम लोग नहीं करते थे क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खुद ही अपने आप में इतना बेहतरीन है कि लोग हमारे रेट में ले जाते थे। मगर इस समय हम लोगों ने कैशबैक स्कीम 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों में एक एक कैशबैक स्कीम हम लोगों ने इधर अनाउंस किया है और जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए बायर्स आते हैं उन सभी को, क्योंकि हम गोल्ड स्कीम और टूर स्कीम ये सब तो हम लोगों का ऐसा लगता है कि अभी लोग उससे परेशान हो गए, तो हमने डायरेक्ट कैश इंसेंटिव देने का फैसला किया है और हर एक बायर को चाहे वो 1 BHK ले, 2 BHK ले, चाहे 3 BHK कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, आपने प्रजापति ग्रुप की जो बेहतरीन इमारतें हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका आपने जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी दी। ये जो वक्त है वो रियल में एक ऐसा वक्त है जब आप उसको इनकैश कर सकते हैं। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन समय आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इस बातचीत में इतना ही, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।